हम इस समय रामेश्वरम के पंबन ब्रिज के नीचे खड़े हैं, यानी पंबन ब्रिज हमारे बगल में है और पंबन ब्रिज के ठीक बगल में समंदर के बीच में उसके नीचे का हिस्सा है, वहाँ पर हम खड़े हैं। ये हिस्सा आर्टिफिशियली बनाया गया है ताकि नए पंबन ब्रिज को बनाया जा सके। हम नए पंबन ब्रिज को आपको दिखा रहे हैं। इस समय मेरे सर के ठीक ऊपर नया पंबन ब्रिज का स्पैन है। ये नया पंबन ब्रिज बन रहा है, इस साल दिसंबर तक ही ये पंबन ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा। और हमारे बाईं ओर पुराना पंबन ब्रिज है, आप देख सकते हैं ये पुराना पंबन ब्रिज है। और पुराने पंबन ब्रिज के पीछे जो है वो बसों और गाड़ियों के लिए एक सामान्य ब्रिज है। यानी इस समय जो पंबन नया पंबन ब्रिज बन रहा है उसके नीचे हम खड़े हैं और आपको बता रहे हैं कि क्या खास विशेषताएं हैं इस नए बन रहे पंबन ब्रिज की। आप देख रहे हैं कि एक पिलर दरअसल तीन पिलर से मिलकर के बना हुआ है और दोनों के बीच में जो दूरी है वो पुराने पंबन ब्रिज से कुछ मीटर की ज़्यादा दूरी है। और इस तरीके के 100 स्पैन हैं, यानी दो पिलर के बीच में जो हिस्सा है उसको स्पैन बोलते हैं। ऐसे 100 स्पैन से मिल करके ये नया पंबन ब्रिज बना है, जबकि जो पुराना पंबन ब्रिज है वो करीब 147 स्पैन से बना है। यानी कम स्पैन इसमें हैं लेकिन ज़्यादा ऊंचा ये है और ज़्यादा बड़ा ब्रिज है, ज़्यादा चौड़ा है, क्योंकि ये डबल लाइन इसमें होगी जबकि जो पुराना पंबन ब्रिज है वो सिंगल लाइन का है। इस तरीके से जो हाइट है वो भी पुराने पंबन ब्रिज की हाइट नीचे है और नया पंबन ब्रिज जो है वो 3 मीटर ऊंचा है। जो ऊंचाई है उसकी तुलना हम आपको करके दिखा सकते हैं। जो नया पंबन ब्रिज है वो और पुराना पंबन ब्रिज एक साथ आपको कैमरे पे दिख रहा है, आपको साफ दिख रहा है कि जो पुराना पंबन ब्रिज है वो नीचे है और नया पंबन ब्रिज ऊपर है। दोनों की हाइट में 3 मीटर का डिफरेंस है। अब ये जो लोकेशन है, इस लोकेशन की खासियत है क्योंकि ये जो पंबन ब्रिज है दरअसल यहाँ से सिर्फ करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर ही भगवान श्री राम ने सबसे पहले समुद्र पार करने के लिए वहाँ पर धनुष उठाया था। और ये कहा जाता है, पौराणिक सत्य है कि उन्होंने समुद्र से आज्ञा मांगी थी और समुद्र ने जब उनकी आज्ञा नहीं सुनी तो फिर उनकी प्रार्थना नहीं सुनी तो उन्होंने धनुष उठा करके समुद्र को ललकारा था। वही जगह धनुष कोड़ी नाम की जगह है जहां पर अब नया रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है, जो कि 1964 में वो ध्वस्त हो गया था। और उसी के बाद जो सेतु समुद्रम है लंका जाने के लिए, जो सेतु समुद्रम वानर सेना ने बनाया था राम के आशीर्वाद से, वो वहीं पर है। यानी यहाँ से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर वो ये सारे तीर्थस्थल हैं, इसलिए इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। इस पुल के बन जाने से जो ट्रेनें हैं वो 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलने लगेंगी, जबकि अभी वो सिर्फ 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं।